नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु उपाय में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नारियल का बहुत ही ज़ोरदार उपाय, जो आपके लिए तथा आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके घर लक्ष्मी को आने पर विवश कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि पूजा पाठ में नारियल का एक अलग ही महत्व होता है। आज हम एक नारियल का उपाय के बारे में बात करेंगे। बिना नारियल के पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन क्या आप एकाक्षी नारियल के बारे में जानते हैं? दोस्तों, माना जाता है कि ये माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। इसकी पूजा करने से कभी भी धन और अनाज की कमी नहीं होती है। हालांकि एकाक्षी नारियल बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन आपको ये नारियल बेचने वाले के पास मिल जाएगा। हजारों में से एकाक्षी नारियल होता है। सामान्यतः हर नारियल पर आँख के समान दिखने वाले दो बिंदु होते हैं, लेकिन एकाक्षी नारियल पर ये दो ना होकर एक ही होता है। जिस घर में एकाक्षी नारियल की पूजा होती है, उस घर में हमेशा बरकत रहती है। तो आपको अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल को इस तरह से आप स्थापित करें। अक्षय तृतीया के दिन घर में एकाक्षी नारियल स्थापित करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एकाक्षी नारियल मिलने पर स्थापित करने से पहले आप अच्छी तरह से स्नान आदि निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करके एक थाली में आप चंदन और कुमकुम से अष्टदल बनाएं। अष्टदल बनाकर उस पर आप नारियल को माँ लक्ष्मी का याद करते हुए उस पर स्थापित कर दें। ध्यान रखें, ये शुभ लाभ या अमृत के मुहूर्त में करना है आपको। ऐसा करने से आपके घर लक्ष्मी माँ की कृपा होती है तथा एकाक्षी नारियल के स्थापित होने से आपके घर पर किसी की नज़र या किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का भी कोई प्रभाव नहीं होता है तथा आपकी व्यापार में और आपके घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।